द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण तो बहुत वायरल होता है और इस बार उनका ऐसा भाषण वायरल हुआ है कि लोग कहने लगे एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री का बहुत बड़ा असर है, तो कुछ लोग कहने लगे कि यह उम्र का भी असर हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने अब नई बात कह दी है, देश के नागरिकों को तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी। उनका जो वीडियो वायरल हुआ है उसे हम पहले दिखाते हैं, आप समझ जाएंगे कि मोदी जी ने जो बातें कह दी हैं उसे तो वायरल होना ही था। जरा सुनिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। तो सुन लिया आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई देश के नागरिकों को कह दिया है कि जिले की राजधानी भी याद करके रखी जाए। अब हम लोगों को तो पता नहीं था कि जिले की राजधानी भी होती है, क्योंकि वो अपने भाषण में उड़ीसा के मुख्यमंत्री को घेर रहे थे, नवीन पटनायक को कह रहे थे कि नवीन बाबू बिना कागज का पर्चा लिए कुछ बोलते नहीं है। अब जो पर्चा में देखेंगे वही बोलेंगे, तो उनसे कहिए कि बिना पर्चा देखे वो उड़ीसा के जिले के राजधानी के बारे में बता दें। अब जिले के कैपिटल भी होते हैं, इस बात से तो नवीन पटनायक भी दंग रह गए होंगे और देश की जनता इस कदर हैरान परेशान और दंग रह गई कि हंसते हंसते लोटपोट भी हो गई और अपने प्रधानमंत्री को लेकर जो है सिर पीट रही है कि भाई क्या नॉलेज है, क्या हमारे प्रधानमंत्री कमाल की बात कर देते और वीडियो वायरल हो जाता है। वैसे गलतियां सबसे होती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो रिकॉर्ड बन जाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन के रिकॉर्ड तो बहुत हैं कि कई गलत जानकारियां वो पहले भी फैला चुके हैं, गलत गलत ऐतिहासिक जानकारी, तथ्यों की जानकारी, लेकिन स्लिप ऑफ टंग भी खूब उनका होता है। ऐसे में अब इस बार जिले के कैपिटल पूछकर वो एकदम से वायरल हो गए। वैसे तो नरेंद्र मोदी वायरल होते रहते हैं, लेकिन यहाँ गौर कीजिएगा कि कभी राहुल गांधी ने स्लिप ऑफ टंग में ही आटा को लीटर में तोल दिया था, जिसके बाद तो भाजपा वालों ने जमकर मजाक बनाया और अब देश की जनता और कांग्रेस नेता सब मोदी जी का मजाक बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी अब जिले की राजधानी जो पूछ दी है। अब इन्हें कौन बताए, जिला मुख्यालय होता है, जिला कैपिटल तो कहाँ से बनाएंगे आप, किस किस जिले के कैपिटल निकालेंगे, अगर निकाल लिए हो तो लिस्ट दे दीजिएगा, पूरा देश भी जान लेगा। तो चलिए जरा देखते हैं कि कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है, उनके ट्वीट क्या क्या है, नरेंद्र मोदी के वीडियो को वायरल करने वालों ने क्या क्या लिखा भी है। और सबसे मजे की बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, इतने जनरल नॉलेज दे रहे थे लोगों को, तो लोग भी तालियां बजा रहे थे। क्या लोग भी नहीं समझ पाए कि जिले का कोई कैपिटल नहीं होता, या फिर मोदी जी के सम्मान में हर गलत जानकारी तहे दिल से स्वीकार्य है? क्या अब देश के नागरिक ऐसे हालात में पहुंच गए? खैर, वो भाजपा समर्थक ही होंगे जिन्हें नरेंद्र मोदी की गलतियां भी बहुत ज्ञान की बात लगती होंगी। गोविंद प्रताप सिंह GPS, इन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, या देखिए अपने स्क्रीन पर, कि मोदी जी जिले की भी राजधानी होती है क्या? हमने तो कभी नहीं पढ़ी, ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है क्या? ये सवाल लोग इस तरीके का बहुत पूछने लगे। हम कुछ और ट्वीट्स दिखाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मामले में एक ट्वीट किया, जरा वो भी देखिए। उन्होंने भी कह दिया कि जिलों की भी राजधानी होती है, यह एंटायर पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से मार्केट में नया आया है। अब सुप्रिया श्रीनेत भी चुटकी ले रही है, क्योंकि हर कोई लेगा, सबको मौका मिला है भाई, ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं, मोदी जी जब ज्ञान की बातें करें तो लपेट लीजिए। अजय यादव ने भी इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी किस जिले से आते हैं, कोई उस जिला की राजधानी बताए और भक्तों से निवेदन है वही बताएं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि भक्त ही बहुत बेहतरीन जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है सबके लिए बता पाना, ये तो UPSC का सवाल बन जाना चाहिए। पवन खेड़ा ने इस मामले में भी एक ट्वीट किया, उसी वीडियो को शेयर करते हुए, पवन खेड़ा कैसे पीछे रह सकते हैं,
कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इन्होंने भी लिखा है कि एंटायर ज्योग्राफिकल साइंस में पेश है अब जिलों के कैपिटल। मित्रों, ऐसे अभूतपूर्व प्रधानमंत्री को जल्द ही भूतपूर्व किया जाए। लोग चुटकी ले रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने ऐसी बातें ही कह दी। राजू रावत ने एक ट्वीट किया, थोड़ा बड़ा है, वो भी देखना चाहिए। राजू रावत ने लिखा है कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो विपक्षी नेता से जिले का कैपिटल बताने को कह रहे हैं। देश और राज्यों की राजधानी सबको पता होती, लेकिन जिलों की राजधानी सिर्फ मोदी जी ही बता सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को बुनियादी तथ्य नहीं पता, यह भारत के सभी नागरिकों के लिए शर्मनाक है। हमें अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। लोगों ने अब रिएक्ट करना शुरू कर दिया है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिन पर अरविंद केजरीवाल ने चौथी पास राजा का ठप्पा लगाया था, और ये जब बातें भी करते हैं और एंटायर पॉलिटिकल साइंस के ज्ञान का बखान करते हैं तो लोग कमेंट करेंगे ही। अशोक कुमार पांडे इतिहासकार हैं और यूट्यूबर भी हैं, इन्होंने जो कमेंट किया है वो भी देखिए। पता नहीं कैसे पढ़े लिखे लोग इन्हें अच्छा वक्ता कहते हैं, चुनावी ध्रुवीकरण के अलावा एक भी ढंग की बात नहीं सुनी इनसे, और ज्ञान इतना कि जिलों के कैपिटल पूछ रहे हैं। जिलों के कैपिटल बताएंगे क्या आप? अब इसमें गौर कीजिएगा कि सही बात है, अशोक कुमार पांडे का कहना है कि मोदी जी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में अव्वल है, हिंदू मुसलमान जितना करा लीजिए, मटन मछली इन सब पर बात कराइए उनसे, लेकिन जब तथ्यों की बात होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचेंगे, तथ्यों की बात होगी तो राहुल गांधी के सामने डिबेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, जिलों के कैपिटल पूछकर सबको घनचक्कर जरूर कर देंगे। तो ये सिलसिला लगातार जारी है, कमेंट करने वालों ने अपना जो है ताता लगा रखा है। आम आदमी पार्टी हरियाणा और कांग्रेस सेवा दल, दो ट्वीट और दिखाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, मोदी जी के हिसाब से जिलों की भी राजधानी होती है, जिससे जिला पार नहीं हो रहा वो 400 पार की बात कर रहा है। मोदी जी तो रिटायरमेंट से पहले ही रिटायर हो गए, अब उम्र हो चुकी है तो जुमलों में भी दम नहीं रहा। ये आम आदमी पार्टी हरियाणा ने कमेंट किया है, क्योंकि सबको मौका मिलता है, सोशल मीडिया में ट्रोलिंग का जमाना है, मोदी जी बोले चाहे राहुल गांधी बोले, ट्रोलिंग का मौका मिला तो कोई नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे पॉलिटिकल विंग के लोग हों या देश का आम नागरिक हो। आइए कांग्रेस सेवा दल ने क्या कमेंट किया है वो भी देख लेते हैं। कांग्रेस सेवा दल का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी अज्ञानता के कारण राहुल जी से डिबेट करने से डरते हैं, ये ऐसे अनोखे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि जिले की कोई कैपिटल नहीं होती। क्या मोदी जी खुद किसी भी जिले की कैपिटल बता सकते हैं? अब ऐसे मौके हर कोई हाथ धो लेना चाहता है। मोदी जी जब घर गए होंगे, आराम कर रहे होंगे, कहते हैं कि 18-20 घंटा काम ही करते हैं, तो थोड़ी देर तो ये जरूर देख लिए होंगे उन्होंने क्या कह दिया है और चीज़ें वायरल हो गई। सबसे मजे की बात यह है कि ANI का ठप्पा लगा हुआ है, ANI ने लगता है गलती से वायरल कर दिया क्या, नहीं तो ANI की पत्रकारिता गोदी पत्रकारिता कही जाती है। और वैसे तो यह पब्लिक डोमेन का वीडियो है, मोदी जी की रैली का वीडियो है, कोई भी कहीं भी देख ही सकता था। और ANI का ठप्पा लग के वायरल होने का मतलब है कि ANI साहब को भी हिसाब देना पड़ेगा, स्मिता प्रकाश को बताना पड़ेगा कि मोदी जी का यही हिस्सा क्यों वायरल करने दिया। क्योंकि इस वक्त देश में लोग राजधानी की बात करते थे, अब जिलों के राजधानी की बात जो करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The Life TV, सच सबसे आगे।